अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू MQ's किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है अचारी आलू और बैंगन। और उसके लिए सबसे पहले तो हम अपने बैकयार्ड से जाके ये बैंगन लेके आएंगे। ये मेरे बैकयार्ड में सब्ज़ी थोड़ी सी हमने लगाई हुई है और उसमें ये बैंगन हुए हुए थे, तो मैंने कहा ये आपके साथ इनकी रेसिपी शेयर कर दूँ। ये फ्रेश बैंगन हमने तोड़े और ये फ्रेश फ्रेश हरी मिर्ची हमने ली, ये देखें। और उसके बाद जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, सबसे पहले तो हम एग प्लांट्स को काट लेंगे क्यूब्स में और ऑयल में हम इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल आप इतना ही डालेंगे जितना आपका खाने में, मतलब आप खाने में आम डालते हैं, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। उसी में हम इनको फ्राई करेंगे और फ्राई करके थोड़ी देर इतना फ्राई करेंगे कि ये हाफ डन हो जाए, और उसके बाद फिर हम इनको निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल में जैसे डीप फ्राई करने की इनको ज़रूरत नहीं है, इससे आपका ऑयल भी ज़ाया होगा और ज़्यादा ऑयल वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद फिर इनको निकालने के बाद हम इसी तरह आलू जो है उनको भी क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे और काट के उसी तरह से हम इनको उसी ऑयल में फ्राई कर लेंगे। आलू को भी आप इतना फ्राई करेंगे कि ये हाफ डन हो जाए और इनमें थोड़ा सा कलर आ जाए, थोड़ा सा गोल्डन सा, जैसे आपको ये कलर नज़र आ रहा है। जब ये कलर नज़र आने लगे तो इसको हम निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें हमें मसाले चाहिए, वो है 5 से 6 कड़ी लीव्स ले लें आप, और हमें चाहिए आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच कलवंजी, आधा चम्मच ही हमें चाहिए होगी अजवाइन और आधा चम्मच मेथी दाना। इन सारे मसालों को आप ऑयल में डाल के तो इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना कि ये जलने शुरू हो जाए, इतना फ्राई करेंगे कि इनकी अच्छी सी एक खुशबू आ जाए धीमी धीमी सी। और उसके बाद फिर हम एक प्याज लेंगे, उस प्याज को आप चाहे तो आप काट भी सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा चॉप किया है। तो चॉप करने के बाद इसमें हम डालेंगे इसको, और प्याज को हम इतना पकाएंगे कि ये ब्राउन ना हो लेकिन थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर सा हो जाए, अपना पानी जो है इसका थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और जैसे ही मैं ये खाना बना रही थी तो एकदम से बाहर बारिश तेज़ शुरू हो गई, और ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। अगर आप लोगों को भी बारिश पसंद है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद फिर हम इसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको डाल के थोड़ी देर भूनेंगे और फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 कप टमाटर का। मैंने टमाटर का पेस्ट डाला है, आपके पास अगर खाली टमाटर है तो आप उस वाटर काट के भी डाल सकते हैं। टमाटर का पेस्ट डालने से कुकिंग प्रोसेस थोड़ा तेज़ हो जाता है, ज़रा जल्दी बन जाता है, आपको टमाटर को गलाना नहीं पड़ता। इसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। 2 हरी मिर्चें मैंने ली थी उनको काट के तो इसमें डाल दिया है। हरी मिर्चें डाल के थोड़ी देर हम इनको पकाएंगे, और उसके बाद जो मसाले हम डालेंगे इसमें, उसमें आपको चाहिए नमक हस्बे ज़ायका, आधा चम्मच सुरख मिर्चें, अगर आप ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये सारे मसाले इसमें जाएंगे और मसाले डाल के हम इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे यहाँ तक के ऑयल थोड़ा सेपरेट होने लगे। जब मसाला ऑयल छोड़ दे तो इसका मतलब ये होता है कि मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। और उसके बाद फिर हम इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी डालेंगे, और 1/2 कप पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो हमारा अच्छी तरह से भुन जाए, जो प्याज वगैरह हैं वो मिक्स हो जाए। और जो अचार के मसाले हैं वो अपनी अच्छी सी खुशबू छोड़ दें। और उसके बाद फिर हमने जो आलू और बैंगन फ्राई किए हुए थे वो हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि आलू और बैंगन को हमने पहले ही फ्राई किया हुआ है तो हमने इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, ये ऑलरेडी हाफ डन है। और इसको मैं थोड़ी देर पकाने के बाद थोड़ा सा मसाला इसके अंदर मिक्स करने के बाद इनको मैं कवर कर दूंगी, और इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, अगर आपके गल नहीं रहे तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही हल्की आँच पर कवर करके छोड़ दूँगी और ये अपने ही पानी में अच्छी तरह से पक जाएंगे। जैसे आप दम पे देते हैं किसी चीज़ को, इसी तरह बस इसको दम पे दे दें, हल्की आंच पे इनको पकने दें। और ये देखें, ये अच्छा सा
आपका अचार या आलू बैंगन रेडी हो गया है। अगर आपके स्टेज पे आलू और बैंगन तो बहुत जल्दी गल जाते हैं, आलू को आप देखें अगर गल गए हैं तो आप इनको किसी भी ट्रे में डिश आउट कर लें। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब्ज़ी है और सब्ज़ी को थोड़ा सा डिफरेंट करके पकाएंगे तो सब बड़े खुश होकर खाएंगे। और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। मैं थोड़ा सा हरा धनिया पहले डालती हूँ, इसको मिक्स करती हूँ, और उसके बाद बाकी जो गार्निशिंग के लिए आपने डालना होता है उसको आप किसी भी बर्तन में निकालें और जो आपने बाकी थोड़ा सा छोड़ा हुआ है उसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह हमने इनको बाहर निकाला। बाहर निकाल के तो इसके ऊपर जो थोड़ा सा हमारा हरा धनिया बचा हुआ था वो इसके ऊपर डाल दिया। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ये बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। खुश रहें, खुश रखें। मैं आपसे फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।